इत्यादि सेंटेंस में इत्यादि को शेष रह रहा है क्या, एक शब्द रह रहा है प्रतिदिन, तो इसकी अंग्रेजी हम लिख देंगे डेली। ये हमारी कंप्लीट हुई इंग्लिश शब्द आई गो टू स्कूल डेली। अगला एग्जाम्पल देखें, मनीषा मनीषा प्रतिदिन कपड़े धोती है, सर्वप्रथम हम वो ही टेंस की पहचान करेंगे। टेंस की पहचान के लिए अंत में मिल रहा है ती है, ती है पहचान है प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस की। टेंस की पहचान के बाद हमको सेंटेंस की पहचान करनी होती है। सेंटेंस है हमारा अफर्मेटिव, सेंटेंस की पहचान पहले बता दी गई है, तो ये सेंटेंस है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस के फॉर्मूला से इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है मनीषा, सब्जेक्ट लिख दिया। उसके बाद एमवी फर्स्ट फॉर्म, मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, मुख्य क्रिया क्या है धोना, धोने की अंग्रेजी क्या हुई वॉश। अब आगे हम देखें एस या ईएस, तो सब्जेक्ट देखें सब्जेक्ट कैसा है सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। अब हमको देखना होगा शब्द को कि एस लगेगा या ईएस लगेगा, तो अंत में देखें ओ एक्स जेड सी एच एस एच और डबल एस, ये शब्दों को ईएस लगाते हैं। अन्य बचे हुए सभी शब्दों के साथ एस लगाते हैं, इसमें अंत में आ रहा है एस एच, तो एस एच आ रहा है क्या लगाइए ईएस। मनीषा वासे ऑब्जेक्ट कपड़े क्लॉथ ईटीसी इत्यादि क्या शेष रह रहा है प्रतिदिन डेली। मनीषा वासे क्लॉथ डेली, यह सेंटेंस कंप्लीट हुआ। अगले सेंटेंस की बात करें हम, नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य। नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला है सब्जेक्ट, नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब डू और डज प्लस नॉट प्लस एमवी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस एचवी डू और डज प्लस नॉट प्लस एमवी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। हेल्पिंग वर्ब डू और डज, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज का प्रयोग करते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू का प्रयोग करते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट एक वचन के साथ, एक वचन जैसे ही सी नेम कोई भी, प्लूरल यू दे बी आई इनके साथ डू का प्रयोग करते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज का प्रयोग करते हैं। प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। एग्जाम्पल के लिए मैं प्रतिदिन सुबह घूमने नहीं जाता हूं, नहीं जाता हूं, मैं प्रतिदिन सुबह घूमने नहीं जाता हूं। टेंस की पहचान कर रही है ताहूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट। उसके बाद सेंटेंस देखें, सेंटेंस में नहीं शब्द दिया हुआ है, जब नहीं शब्द दिया हुआ है तो सेंटेंस होगा नेगेटिव। जब हमको टेंस की पहचान पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट है और सेंटेंस की पहचान हो गई नेगेटिव, तो नेगेटिव सेंटेंस के फॉर्मूला से जब इंग्लिश ट्रांसलेशन करें तो सर्वप्रथम सब्जेक्ट आई, हेल्पिंग वर्ब डू और डज, सब्जेक्ट देखें सब्जेक्ट कैसा है प्लूरल, प्लूरल के साथ डू, आई डू नॉट, आई डू नॉट एमवी फर्स्ट जाना घूमने जाना वॉक, आई डू नॉट वॉक। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट देखें
ऑब्जेक्ट के लिए हमको क्या या कहां शब्द लगा के प्रश्न करना होता है, क्या जाता है उत्तर नहीं आ रहा है, कहां जाता है तो इसमें भी नहीं आ रहा है, तो यह हुआ है समय सूचक शब्द। आई डू नॉट वॉक डेली इन द मॉर्निंग। अगला एग्जाम्पल देखें, राजेश टीवी नहीं देखता है, राजेश टीवी नहीं देखता है। तो सबसे पहले टेंस की पहचान करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, फिर सेंटेंस की पहचान नेगेटिव। सर्वप्रथम सब्जेक्ट राजेश, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डू और डज, सब्जेक्ट है सिंगुलर, सिंगुलर के साथ डज। राजेश डज नॉट एमवी फर्स्ट देखना। अब देखें देखने की कई अंग्रेजी है, जैसे सी है, वॉच है, लुक है, लेकिन यहां हम टीवी देखने के लिए प्रयोग करते हैं वॉच। राजेश डज नॉट वॉच ऑब्जेक्ट टीवी, राजेश टीवी नहीं देखता है। ये सेंटेंस हुए हमारे नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वर्ब। आगे हम बात करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वर्ब। इंटरोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला है डब्ल्यू एच वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस एमवी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एटीसी प्लस इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला है डब्ल्यू एच वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस एमवी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी प्लस इंटरोगेटिव मार्क। अब हम बात करें प्रश्न डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू होगा या हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, नंबर एक डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू होने वाले और नंबर दो हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया से शुरू होने वाले। तो कब प्रश्न डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू होता है और कब हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया से शुरू होता है? यदि प्रश्न का उत्तर यस अथवा नो में आ रहा है, यदि प्रश्न का उत्तर यस अथवा नो में आ रहा है तो प्रश्न हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, सहायक क्रिया से शुरू होगा। और यदि प्रश्न का उत्तर यस अथवा नो में नहीं आ रहा है तो प्रश्न डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू होगा। फॉर एग्जाम्पल, क्या तुम बाजार जाते हो, क्या तुम बाजार जाते हो, सेंटेंस है इंटरोगेटिव। तो सबसे पहले हम देखें डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू होगा या हेल्पिंग वर्ड सहायक क्रिया से शुरू होगा। तो प्रश्न का उत्तर यस अथवा नो में आ रहा है और जब प्रश्न का उत्तर यस अथवा नो में आए तो डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू नहीं होकर हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया से शुरू होता है। तो यहां डब्ल्यू एच वर्ड नहीं लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया लिखेंगे, सहायक क्रिया डू, सब्जेक्ट यू, डू यू एमबीपी फर्स्ट गो, डू यू गो ऑब्जेक्ट टू मार्केट ईटीसी। बाकी में कुछ बच रहा है क्या? नहीं बच रहा है तो क्या लगाएंगे? इंटरोगेटिव मार्क। डू यू गो टू मार्केट, ये सेंटेंस बनके कंप्लीट हुआ। अगला सेंटेंस एग्जाम्पल के लिए देखें, वे प्रतिदिन कहां स्नान करते हैं। तो सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड कहां की अंग्रेजी वेहर, बेहर हेल्पिंग वर्ड डू,
वे आर डू सब्जेक्ट दे वे आर डू दे मेन वर्ब मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म वा वे आर डू दे वा ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेंटेंस में नहीं है तो ईटीसी ईटीसी क्या बच रहा है डेली और इंटरोगेटिव मार्क वे आर डू दे वा डेली वे प्रतिदिन कहां स्नान करते हैं। अगला सेंटेंस है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनेट का इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अगला सेंटेंस है हमारा इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक नकारात्मक। तो नाम से बोध हो रहा है इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक और नेगेटिव नकारात्मक, यानी कि सेंटेंस में प्रश्न भी पूछा जाएगा और नकारात्मक बोध भी होगा, यानी नहीं और इंटरोगेटिव मार्क दोनों शब्द मिलेंगे, नहीं और इंटरोगेटिव मार्क दोनों शब्द मिलेंगे वो सेंटेंस होगा हमारा इंटरोगेटिव नेगेटिव। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के फॉर्मूला में और इंटरोगेटिव के फॉर्मूला में मात्र एक अंतर है, इसमें सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दिया जाता है तो फॉर्मूला बनता है हमारा डब्ल्यू एच वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ड डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस एमवी फास्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी प्लस इंटरोगेटिव वर्ड डब्ल्यू एच वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस एमवी फास्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी प्लस इंटरोगेटिव मार्क। यह है हमारा इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला। इसके एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल है विद्यार्थी क्रिकेट क्यों नहीं खेलते हैं। विद्यार्थी क्रिकेट क्यों नहीं खेलते हैं पहचान के लिए नहीं शब्द और इंटरोगेटिव मार्क दोनों शब्द मिल रहे हैं। तो सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड क्यों, क्योंकि अंग्रेजी वाही। हेल्पिंग वर्ड डू या डज डू सब्जेक्ट स्टूडेंट्स वाई टू स्टूडेंट्स मेन वर्ड सॉरी नॉट स्टूडेंट्स नॉट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले वाई टू स्टूडेंट्स नॉट प्ले ऑब्जेक्ट क्रिकेट और इंटरोगेटिव मार्क वाई टू स्टूडेंट्स नॉट प्ले क्रिकेट विद्यार्थी क्रिकेट क्यों नहीं खेलते हैं। अगला एग्जाम्पल देखें गौतम सुबह खाना क्यों नहीं खाता है। तो सबसे पहले हम सेंटेंस देखें, सेंटेंस कैसा है इंटरोगेटिव नेगेटिव। तो इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के फॉर्मूला से इंग्लिश ट्रांसलेशन करें तो सर्वप्रथम डब्ल्यू एच वर्ड क्यों, क्योंकि अंग्रेजी वाई। हेल्पिंग वर्ब डू और डज सिंगुलर के साथ डज वाई डज सब्जेक्ट गौतम वाई डज गौतम फॉर्मूला के अनुसार नॉट वाई डज गौतम नॉट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट ऑब्जेक्ट फूड वाई Does Gautam not eat food in the morning? Gautam सुबह खाना क्यों नहीं खाता है। Why does Gautam not eat food in the morning? यहाँ पर हमारा present indefinite tense complete हुआ। इससे आगे आप हम कल present continuous tense पढ़ेंगे।